ओशो आशीष ध्यान मंदिर संस्था द्वारा सोलन में 3 से 6 जून तक एक ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का संचालन ओशो वर्ल्ड मासिक पत्रिका के संपादक चैतन्य कार्तिक कर रहे हैं। शिविर के प्रथम दिन चैतन्य कार्तिक ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि ओशो का ध्यान शिविर इस दिशा में एक कदम है, जिसका अभिप्राय है कि हम ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में प्रेम की सुगंध कैसे पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ध्यान बहुत शक्तिशाली है, ये क्रोध को करुणा में बदल देता है, इसी तरह घृणा को प्रेम में और वासना को समाधि में रूपांतरित करता है। शिविर के आयोजक व ओशो वर्ल्ड मासिक पत्रिका के संपादक चैतन्य कार्तिक ने कहा कि ओशो ध्यान शिविर में इस प्रयोजन से कुछ ध्यान विधियों का प्रयोग किया जाएगा, जिसके माध्यम से साधक अपने मन की मलिनता से मुक्त होकर एक हार्दिक स्वच्छता और संवेदनशीलता को अनुभव कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की ग्रंथियां खुले विचारों का विसर्जन हो, उसका चित्त निर्भय हो और वे अपने अंदर आनंद के स्तोत्र से जुड़े। उन्होंने कहा कि ये सब ओशो की ध्यान विधियों से संभव है। उन्होंने कहा कि आज के जीवन में हम एक विशांत वातावरण में घिरे हुए हैं। इंट्रोडक्टरी ध्यान शिविर है, पर इसकी थीम है हम ध्यान के माध्यम से कैसे प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज जो दुनिया में इस समय बहुत कमी महसूस होती है वह प्रेम की। लोग बहुत बट गए हैं, लोग बहुत ईर्ष्या घृणा नफरत से जी रहे हैं, तो ये जो ध्यान शिविर है संदेश देना चाहता है कि हम कैसे अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करके संवेदनशील हो सकते हैं, कैसे हम प्रेम से आपूरित हो सकते हैं, अपने को भर सकते हैं, कैसे हमारे जीवन में एक ऐसा फूल खिले जिससे प्रेम की सुगंध बटे। और बीज तो है हमारे भीतर प्रेम का, लेकिन वो फूल नहीं बन पाया, उसके लिए जरूरी है कि हम ध्यान के प्रयोगों को करें।